प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीट के विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष कक्षा शुरू करेंगे। नीट के विद्यार्थी में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत से विद्यार्थी इस टॉपिक को मैं बड़ा असहज महसूस करते हैं और काफ़ी पर्सन इसे टॉपिक में से गलत कर देते हैं। तो कोशिश मेरी यह है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाए। तो हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट 9 का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, और क्या है इसमें खास बातें, इस क्लास को पूरी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी जो शब्द है उसमें दो है, एक तो जीव और दूसरा तकनीकी, यानी कि मशीनों के द्वारा, ठीक है ना। तो जैव तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है इसको समझिए कि जीव या इनके उत्पादों के जीव या इनके उत्पादों या इनके एंजाइमों के में तकनीकी के द्वारा कुछ परिवर्तन करके मानव उपयोगी उत्पाद या सेवाएं उत्पन्न करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सेवाएं उत्पन्न करना मानव उपयोगी उत्पाद बनाना किसके द्वारा, जीवों के, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, या जीवों के कोई उत्पाद है उनके द्वारा, या जीवों में कुछ एंजाइम्स है उनमें कुछ मशीनीकरण करके, कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करके अगर मानव उपयोगी उत्पाद बनाए जाए तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी कहते हैं। यहां से आपकी कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या जाएगा, दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभों की बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन सी दो बातें हैं, देखिए एक तो बात है, इसमें शुरू करेंगे तो इसमें से आपके चैप्टर नंबर जो ये यूनिट 9 है इसमें से कुछ प्रश्न बढ़ते हैं, वो कौन से हैं। देखिए एक तो हम बात करेंगे आज की क्लास में किसकी, प्रतिबंध एंजाइम की, बेसिक बात प्रतिबंध एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे हम प्लाज्मिड के बारे में, इसके बारे में प्लाज्मिड। ये दोनों कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो हम बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दो बातें कौन सी है, एक तो प्रतिबंध एंजाइम और दूसरा है प्लाज्मिड। इन दोनों एंजाइमों के जो है ये बायोटेक्नोलॉजी, दोनों बातें जो है, एक तो प्रतिबंध एंजाइम और दूसरा है प्लाज्मिड, इनको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, प्रतिबंध एंजाइम के बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि इसकी खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे हर्बर्ट बोयर, इसमें आप ध्यान रखेंगे हर्बर्ट बोयर नामक जो वैज्ञानिक है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और प्लाज्मिड से संबंधित एक वैज्ञानिक है स्टनले कोहेन, ध्यान रखना ये दो वैज्ञानिक हैं। ये दोनों वैज्ञानिक एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, आधार स्तंभ है, हर्बर्ट बोयर और स्टनले कोहेन। क्या बात लिख दी, प्रतिबंधित एंजाइम किसे संबंधित वैज्ञानिक है हर्बर्ट बोयर, और प्लाज्मिड से संबंधित वैज्ञानिक है स्टनले कोहेन। क्या कहानी है, कहानी यह है कि हर्बर्ट बोयर जो थे वो एक जीवाणु पर कार्य कर रहे थे, उसका नाम था ई कोलाई, ठीक है। कौन सा जीवाणु था, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे ई कोलाई नामक जीवाणु पर। तो आप ध्यान में रखेंगे ई कोलाई नामक जीवाणु पर कौन कार्य कर रहा था, हर्बर्ट बोयर। इसने क्या देखा जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि इस ई कोलाई जीवाणु में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, इस ई कोलाई जीवाणु में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसको काटते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड को काटते हैं या डीएनए को काटते हैं, ठीक है, डीएनए की स्ट्रैंड को काटते हैं। ऐसे एंजाइमों की खोज की किसने भी,
अल्बर्ट बोयर ने किसमें की, ई कोलाई में की। ठीक है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को काटने वाले एंजाइमों को नाम दिया प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंध या प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं। इसकी क्लास में पहले भी डाल चुका हूं, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं नए सिरे से कि प्रतिबंध किसी विशेष क्षेत्र से, किसी विशेष क्षारक अनुक्रम से ये डीएनए को काटते हैं, इसलिए इनको प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। यानी कि दो बात है बायोटेक्नोलॉजी में, एक तो प्रतिबंध एंजाइम और दूसरा प्लाज्मिड। तो प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की है, हर्बर्ट बोयर ने की है। इसमें की है ई कोलाई नामक जीवाणु में की है। ठीक है, क्या काम क्या करते हैं प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या काम करते हैं ये प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर जो एंजाइम है, ये क्या करते हैं, डीएनए खंडों को काटने वाले एंजाइम है। तो बात हो गई है हर्बर्ट बोयर की। क्या सुना आपने कि हर्बर्ट बोयर जो होते हैं, जो वैज्ञानिक था, उन्होंने डीएनए खंडों को काटने वाले एंजाइम की खोज की। डीएनए खंडों को काटने वाले एंजाइम की खोज किसमें की, आप बताएंगे ई कोलाई में। ठीक है, ई कोलाई नामक जीवाणु में की। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हर्बर्ट बोयर के बारे में। हर्बर्ट बोयर जो था, उसका जन्म स्थान जो हुआ 1936 में, जन्म हुआ 1936 में, कहां पर हुआ, पश्चिम पेंसिल्वेनिया में। उसने ग्रेजुएशन किया पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से और पीजी या स्नातकोत्तर किया 1963 में, कहां से, येले विश्वविद्यालय से। येले विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया भाई, स्नातकोत्तर किया, और स्नातकोत्तर करने के बाद ये सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। कौन से, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ये नियुक्त हो गए। कौन से यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, ये ध्यान रखना। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सहायक, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहे। कौन रहे भाई, हर्बर्ट बोयर। इस यहां पर इन्होंने ई कोलाई नामक जीवाणु पर अध्ययन किया। कौन से जीवाणु पर, ई कोलाई। यानी कि आप लोगों से पूछ ले, प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्बर्ट बोयर ने कौन से जीवाणु पर अध्ययन किया था, ई कोलाई नामक जीवाणु पर अध्ययन किया। और ई कोलाई जीवाणु पर जब उन्होंने अध्ययन किया तो 1969 में उन्होंने जब अध्ययन पूर्ण किया, तब उन्होंने एक एंजाइम की देखा है, उन्होंने एक एंजाइम की खोज की, जिसको क्या कह रहे हैं, प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। किसने, हर्बर्ट बोयर ने। कब की, 1969 में। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ई कोलाई नामक जीवाणु पर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद रिसर्च किया, इसके ऊपर अनुसंधान किया, और उसने बताया कि इस जीवाणु में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डीएनए खंडों को, डीएनए को काटते हैं। इन डीएनए को काटने वाले एंजाइमों को क्या नाम दिया गया, प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। इसके बारे में स्टर्ले कोहेन, जब हर्बर्ट बोयर जो थे वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, उसी समय दूसरी यूनिवर्सिटी के एक और जिसको कहेंगे वैज्ञानिक हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट अपन इसको कह सकते हैं, कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो स्टर्ले कोहेन थे वो भी रिसर्च कर रहे थे, वो भी रिसर्च कर रहे थे। भाई आप कर रहे हो तो हम भी रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन स्टर्ले कोहेन जो थे वो किसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो भी जीवाणु पर रिसर्च कर रहे थे। और जीवाणु में छोटे छोटे डीएनए के रिंगलेट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रिंगलेट्स। ठीक है, जीवाणु में जो छोटे छोटे रिंगलेट्स पाए जाते हैं उनके ऊपर जीवाणु जो थे उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे स्टर्ले कोहेन। और जीवाणु में कुछ छोटे छोटे डीएनए के रिंगलेट्स पाए जाते हैं, रिंगलेट्स। इन छोटे डीएनए के छोटे छोटे जो डीएनए रिंगलेट्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो दो चीजें जरूरी है, एक तो क्या है, प्रतिबंध एंजाइम, और दूसरा क्या है, प्लाज्मिड। दूसरे क्या है,
प्लाज्मिड है। देखो प्लाज्मिड किस प्रकार से होते हैं कि जो डीएनए बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उस जीवाणु में इनका एक डीएनए होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, साइटोकोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसमें बिखरा रहता है। और इस बैक्टीरिया की जो डीएनए है उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक और इस मुख्य डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है जीवाणु का, इसके अलावा एक और वर्ताकार डीएनए इसमें पाया जाता है, एक और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। इस वर्ताकार डीएनए को जो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, इस वर्ताकार डीएनए को क्या नाम देते हैं भाई, प्लाज्मिड नाम देते हैं। क्या नाम दिया इसने, प्लाज्मिड पर ये रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। इस प्लाज्मिड के बारे में ये क्या बताया किसने, सर्ले कोहेन ने, कि प्लाज्मिड जो होते हैं इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है ये स्वयं प्रतिकृत होते हैं, ये अपने समान प्रति खुद बना सकते हैं, और वो भी जो जेनेटिक डीएनए है उसके अलावा, उसके कंट्रोल के बाहर, यानी कि इसी के रेप्लिकेशन में, प्लाज्मिड जब रेप्लिकेशन करता है तो उसके रेप्लिकेशन पर जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उसकी इससे यह फ्री रहता है, बिल्कुल सेल्फ रेप्लिकेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है, यह प्लाज्मिड जो होते हैं ये वेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं, वेक्टर या वाहक के रूप में ये कार्य करते हैं। अगली बात समझ में, तो दो बातें हैं कि प्लाज्मिड जो होते हैं उनके बारे में और प्रतिबंध एंजाइम, इन दोनों के बारे में आप समझ विकसित कर लीजिए। आगे ये टॉपिक जो होते हैं वो इन्हीं दो बातों पर आधारित है, इनको समझ लेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। जीवाणु में छोटे छोटे डीएनए रिंगलेट्स जो पाए जाते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को डिस्कवर किसने किया, स्टर्ले कोहेन ने। क्या बात बताई, इनमें शेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। दूसरी बात, ये वेक्टर के रूप में दूसरे जीवाणुओं में, दूसरे जीवों में ये जा सकते हैं, वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खास बातें थी आज की क्लास की। अगली क्लास हम और आपको बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।